भैया जहाँ कोई नहीं खड़ा होता है वहाँ एलविस यादव खड़े होते हैं। उन्होंने फाइनली एक ट्वीट कर दिया बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए। मोदी जी को टेक किया कि भाई एक्शन लीजिए, हिंदू खतरे में है, वहाँ पर हिंदू प्रताड़ित हो रहा है। तो जहाँ कोई नहीं आता वहाँ एलविस यादव बोलता है भाई, इसीलिए वो बंदे को मैं पसंद करता हूँ, उसको फॉलो करता हूँ, इसीलिए करता हूँ कि भाई वो हिंदुत्ववादी है यार। वो जहाँ खड़ा होता है वहाँ पे लोग बाग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। और अपने भारत के अंदर कितने बड़े बड़े लोग बाग हैं जो अपने आप को हिंदू 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 कहते हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी एक पोस्ट नहीं करेगा, सब कमाने खाने में लगे हुए हैं, कोई सामने नहीं आता। इतनी बड़ी फॉलोइंग रखने के बाद भी एक पोस्ट नहीं होती, एक ट्वीट नहीं होता किसी से भी। सरकार कुछ भी करे कोई मतलब नहीं, कुछ भी कोई भी कुछ भी करता रहे किसी कोई मतलब नहीं भैया, उनको तो एक ब्रांड प्रमोशन करना है। और लोग एलविस से बोलते हैं भाई तू ये करता है तू ये करता है, भाई वो तो करता ही करता है, लेकिन साथ में खड़ा होना चाहिए, उसके लिए वो खड़ा भी होता है, लोगों के लिए ट्वीट भी करता है, जहां गलत देखता है वहां के लिए खड़े होता है वो बंदा, वो इंसान। जब से 4-5 साल से जानता हूँ, जब से वो हर चीज़ के लिए स्टैंड लेता है खड़ा होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में रहने के बाद, हिंदुस्तान का खाने के बाद, ठीक है, भारत में रहने के बाद, भारत का खाने के बाद, लेकिन दूसरी देश की तारीफ करते हैं। जहाँ हिंदू फंसे हुए हैं वहाँ पे किसी ने कुछ नहीं बोला, ठीक है, वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, यार ये कौन सी बात होती है, उसके लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा, भारत सरकार से कोई कुछ नहीं बोलेगा।